दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि शुरू से बोलेंगे हेलो दोस्तों बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कराएंगे और क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कराएंगे और समझाएंगे कि आप बच्चों को कि किस तरीके से आपको आंसर देना होता है। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन। देखिए फाइनेंस कमीशन जो है वो स्थापित किया जाता है हर पाँच साल बाद, जिसके बारे में हमें बताना है कि जो फेडरल हमारा सिस्टम है, फिस्कल फेडरल सिस्टम है हमारा, ये संघवाद, इसका मतलब राज्य और केंद्र सरकारों के बारे में ऑलरेडी विभाजन किया हुआ है, उनके कर्तव्यों का, उनके टैक्स कलेक्शन का, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। एंड व्हाट आर द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन और 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए इस वीडियो को भी आप दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला तो फाइनेंस कमीशन क्या है वो हम एक बार डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन ने, 15वें फाइनेंस कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए हमने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक कवर किया हुआ है। आपको हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहाँ पे बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स है। ये वाला जो कोर्स है इसके अंदर आप यहाँ पे आइएगा हिंदी मीडियम में, और ये वाला जो टॉपिक है ये आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमने टॉपिक बनाया हुआ है, चैप्टर बनाया हुआ है, मुद्रा बैंकिंग और लोक वित्त। इसके अंदर आप देखिए ये वाला टॉपिक है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग में आप देखेंगे तो टोटल मिलाकर हमने 7 वीडियो बनाई हुई हैं और इसके ऊपर हम डिस्कशन आपको करते हैं क्या क्या इसके अंदर आपको देना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने आपको केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में डिस्कस किया है, क्योंकि किस तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स में ये डिसाइड किया हुआ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस तरीके से अपने टैक्स सिस्टम का बंटवारा करेंगे। लेकिन ये दोनों टॉपिक आपसे यहाँ पर डिस्कस नहीं करने, आपको सीधा टॉपिक नंबर 3 पे जाना है वित्त आयोग के ऊपर। तो बच्चों वित्त आयोग में आपको क्या क्या डिस्कस करना है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप देखिए तो 12 मिनट की वीडियो है जिसमें हमने आपको बताया है कि वित्त आयोग की जो नियुक्ति हुई थी वो आर्टिकल 280 के तहत हुई है, जिसमें हर 5 साल बाद वित्त आयोग बनाया जाता है, जैसे कि अभी वर्तमान में वित्त आयोग 6 साल का है। और इसके अलावा वित्त आयोग जो है उसका काम है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जो संसाधन हैं उनको बांटना। देखिए आपको पता होगा कि भारत में केंद्र सरकार के पास ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं राजस्व इकट्ठा करने के, तो वित्त आयोग का काम है वो रिकमेंडेशन देना या उन गतिविधियों को बताना जिसके द्वारा ये एक पैमाना डिसाइड करना है कि किस तरीके से केंद्र अपनी आय का हिस्सा राज्यों में बांटेगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो। इस सब के ऊपर बच्चों हमने डिस्कस किया, हमारे नोट्स भी आप चाहे तो नोट्स में भी एक बार इसको देख सकते हो। देखिए यहाँ हमने ये डिस्कस किया हुआ है, ये हमारे नोट्स में से बच्चों को मिल जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंध है यहाँ पे, कि कौन कौन से टैक्सेस को कौन कौन लगाता है, कौन कौन इकट्ठा करता है, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। ये वाला टॉपिक आपको कवर करना है, दिस वन। तो इसके अंदर आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग की सिफारिश देता है, और वित्त आयोग के जो कार्य हैं उसके ऊपर भी हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है वीडियो में। ओके, इसके अलावा हमने आपको बताया हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में कौन कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा वित्त आयोग की जो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग में कौन कौन से मेंबर्स हैं और इनकी नियुक्ति करने के लिए क्या क्या शर्तें रखी गई हैं, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है उसका जो सेकेंड पार्ट है हम उस पर भी आ जाते हैं। बच्चों क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो हमसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है इसमें, हाँ, कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें कौन कौन सी। तो बच्चों 15वें वित्त आयोग ने किस तरीके से अपनी राज्य मतलब एक तरीके से, देखिए वित्त आयोग बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी देता है, अनुदान कैसे सरकार बांटेगी, आय का हिस्सा किस तरीके से बांटेगी, इसके अलावा बहुत सारे डिजास्टर मैनेजमेंट पे कैसे खर्च करेगी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को किस तरीके से पैसा देगी, जो आप कह सकते हो छोटी इकाइयाँ हैं, पंचायतें, उनको किस तरीके से पैसा बांटेगी, इन सब के बारे में बहुत विस्तार से वित्त आयोग दिया हुआ है। वित्त आयोग की सिफारिशें होती है और वित्त आयोग के बारे में देखिए हमने भी आपको यहाँ पे जो सारांश है वो हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये क्राइटेरिया है जिसके माध्यम से वित्त आयोग में डिवीजन हुआ है, ये सब हमने बच्चों ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आप हमारी ऐप डाउनलोड करने के बाद आप ये सारी की सारी वीडियो को देख सकते हो, ये सही है, ये सारी रिकमेंडेशन को हमने ऑलरेडी समझाया हुआ है।
तो ये सारी की सारी रिकमेंडेशन से किस तरीके से केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच में अपना विभाजन करती है, तो ये सारा का सारा टॉपिक आप पढ़िए, आप समझने की कोशिश कीजिए, कंसेप्ट को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको भी ऐड करनी चाहिए तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि देखिए सब चीज़ें मैंने कवर कराई हैं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक एक एस्पेक्ट जो भी वित्त आयोग का है सब चीज़ों को कवर की जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ और है जो इसमें ऐड होनी चाहिए वो आप ज़रूर ऐड करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी तमाम वीडियो से आप बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। बेसिकली इस वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो आपको यही बताना है कि आपको आंसर क्या लिखना है। देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेरी होती है कि क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से देंगे। अब मैंने तो ऑलरेडी सब तरीके से सॉल्यूशन कराया हुआ है, वीडियो बना के बताया हुआ है, नोट्स बना के बताया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन की पैटर्न भी तो चेंज हो सकता है, क्वेश्चन कुछ ही और तरीके का भी आ सकता है। लेकिन अगर आप कंसेप्चुअली मजबूत हों तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का है आप उसका आंसर लिख सकते हो। यानी कि आपको केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं रटना बल्कि आपको जो कंसेप्ट है उसको पकड़ना है। तो इसी तरीके का काम बच्चों हम करते हैं। हमने अपनी पूरी वीडियो में कहीं पे भी देखे केवल वित्त आयोग के बारे में डिस्कस नहीं किया। अगर हम अपने कंसेप्चुअली बात करें तो हम पूरी तरीके से समझाया है कि किस तरीके से हमारा फेडरल जो हमारा संघीय ढांचा है वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे हमने पहली वीडियो में यही बात बताया है कि संघीय ढांचा जो है वो उसके कौन कौन से सिद्धांत पर आधारित होता है। तो तमाम चीजें हमने अपनी वीडियो के माध्यम से बच्चों को समझाने की कोशिश की है, और यही वीडियो का पूरा सार है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।